आप सभी। आई होप आप अच्छे से होंगे, मजे से होंगे घर पे। एंड मेरा जो यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव, देखते रहो, बने रहो मेरे साथ। और आपका जो सिलेबस है वो भी मैं जल्दी कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो आज हम प्रीवियस वीडियो के अंदर जो पॉइंट छोड़ा था, टॉपिक छोड़ा था, वो आज लेकर आए। ओके, तो हमने रिएक्टिविटी स्टार्ट की हुई थी, केमिकल रिएक्टिविटी हम देख रहे थे ग्रुप नंबर 13 की, जिसमें हमने एयर डिस्कस कर लिया था, एयर के साथ में, वाटर के साथ में, एसिड एंड बेस के साथ हम रिएक्टिविटी देख चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या लेकर आए हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स। ठीक है, हैलोजन्स के साथ क्या रिएक्टिविटी होगी, कैसे ये रिएक्शन शो करेंगे, वो देखना है। तो बच्चे मैंने क्या किया, ग्रुप नंबर जो 13 के एलिमेंट्स हैं उनको मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और ये हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ट्राई हैलाइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। आप सभी को पता है कि इनके ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो कौन सी होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ऑलमोस्ट सभी थैलियम को छोड़ के। तो यहाँ पर जो ट्राई हैलाइड्स बने हैं ये हमें ये भी देखना है कि कैसे बने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है, स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, तो वो आपको अच्छे से समझना है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर देना आप। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास ये है क्या, ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमें पता है क्या होता है, NH2NP1, राइट। S2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इस एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट है। अब आपको पता है कि जब ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्शन होती है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, और उन ऑर्बिटल के पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग होगी तभी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो आपके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, आपको कितना रिक्वायर्ड है, 3। देखो 3 हैलोजन जुड़ते हैं, तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट जो होगी इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने, 3। कैसे हुए, ये एस इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ ये जंप कर जाएगा इधर। ठीक है, इनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है इसीलिए ये जंप कर जाता है। अगर ज्यादा होगा, आप ही कहोगे कि 2s से 3s में करो या 3p में करो, तो नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कौन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, देखो एक तो है एस में, और पी ऑर्बिटल कितने यूज आ रहे हैं, 1 and 2, तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसका है, बोरोन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसके साथ ओवरलैप करेगा वो भी देखना है आपको। ठीक है, अब देखो ओवरलैप किसके साथ कर रहा है, हैलोजन के साथ। हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आप सभी को पता है, NS2NP5। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, राइट। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा, तो मतलब ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने, 3, आपको ये 3 बनाने हैं, मैंने ऐसे बना दिया। ये बोरॉन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है किसका, हेलोजन का, पी की आपको शेप पता है कैसी होती है, डंबल शेप। ठीक है, बीच में से ये पकड़ लो, एक लॉब इधर होती है, एक लॉब इधर होती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पी ऑर्बिटल बनाना है, किसका है, ये हेलोजन का पी ऑर्बिटल है। हेलोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये रहा, sp2 में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, पेयरिंग हो गई, सेम एज इट इज यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, ये हेलोजन है और यहाँ भी पेयरिंग होगी, तो दैट मीन्स बॉन्ड बन गया। अब जो ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कैसे बना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, इसका मतलब ये बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, आप देखो यहाँ पर जो बोरोन है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 + 2 + 2, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग करने के बाद भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल बना वो कैसा बना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हैलाइड्स बनते हैं ये हैलाइड्स ही बने। ठीक है, हैलाइड्स जो बनेंगे इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी।
ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, क्योंकि इसको टू इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसको हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उसको लुईस के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, लुईस एसिड। तो याद रखना है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लुईस उनको क्या बोला जाता है, लुईस एसिड बोला जाता है। इसका मतलब मैंने क्या किया, यहां पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया इसको, जैसे कि अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई। अब आप ये कहोगे कि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या सेट कहाँ करेगा, यहाँ तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है, बच्चे ये वाली बॉन्डिंग बना के आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, वो क्या है, वो जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है, और इस वेकेंट पी ऑर्बिटल को आपको यहाँ दिखाना है कैसे, दिस वन, ये है वेकेंट पी ऑर्बिटल, और इस वेकेंट पी ऑर्बिटल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। जैसे मैंने क्या कहा यहाँ पर, देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, अमोनिया लिया, ठीक है, आपके पास BF3 है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये आपके पास BF3 है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या लिया है, अमोनिया। आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट करेगा, बोरोन को, कैसे, एम्प्टी पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वेकेंट पी ऑर्बिटल, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, BF3 है, फ्लोरीन आप पीछे लिखो क्योंकि बोरोन के साथ बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, कौन सी बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH3, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके पास ट्राई हैलाइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज है, क्योंकि आफ्टर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने है, 6 ही है, ऑक्टेट पूरा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है, और बोरोन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल के प्रेजेंस की वजह से, ये एक ही पी ऑर्बिटल है, डंबल शेप है, तो एक लॉब मैंने ऊपर दिखा दी, एक लॉब नीचे दिखा दी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, तो ये आपके पास लुईस एसिड है और NH3 आपके पास क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। लुईस साइंटिस्ट ने बताया था तो उन्होंने अपने नेम के बेस पे एसिड और बेस, लुईस एसिड और लुईस बेस, क्लियर। तो ये पॉइंट था कि लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लुईस एसिड्स कौन होते हैं, ट्राई हैलाइड्स ऑफ द ग्रुप नंबर 13, ठीक है। अब इनमें भी एक चीज क्या है कि हम जो ये हैलोजन ले रहे हैं वो हैलोजन एक ही तो नहीं है, आपको पता है कि हैलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, आयोडीन भी होता है, तो हम इनमें अलग अलग फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेके डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना सभी बच्चे, वो क्या है, देखो आपके पास जो ये लुईस एसिड आया है, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए, मतलब मैंने आपसे कहा कि ये जो ट्राई हैलाइड्स आए हैं उनके लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, वो तो देखो आपके पास क्या है, बोरोन है X3, ठीक है, बोरोन के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम X3, देन गैलियम X3, इंडियम X3, देन थैलियम X3, ठीक है, ये 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन के साथ शो कर सकता है, बट उल्टा +1 में है। अब देखो डाउन द ग्रुप आप जब जाते हो तो मैंने आपको इनके ऑक्साइड्स भी बताए थे ना, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या करते हैं, क्या होते हैं, बेसिक करेक्टर के डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। सेम एज इट इज यहाँ पर जो ये BX3 है
उसका लुईस एसिडिक करेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसका रीजन क्या है, स्मॉल साइज होगा, अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी, अट्रैक्शन पावर जहां ज्यादा है इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और इजीली वेकेंट पी ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज, या फिर हम कहें कि इंक्रीज इन डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या हो जाएगा यहां पर, जो लुईस एसिड करेक्टर है वो क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है, करेक्टर डिक्रीज कहां, डाउन द ग्रुप, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है, क्लियर। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो बच्चों आपके जो बुक है या फिर सिलेबस, आपके सिलेबस में मेनली तो यही दिया हुआ इसी की स्टडी करनी है, बट इसके साथ साथ मैं आपको इसकी भी बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो आपके पास जो ये हैलाइड्स हैं BH3 और AlX3, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आपने पढ़ी मोनोमेरिक फॉर्म है, डायमेरिक है, पॉलीमेरिक है, हम पढ़ते आ रहे हैं ना सॉलिड वेपर फेज के अंदर। BH3 जो होता है वो मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसका रीजन भी मैं बताऊंगी आपको कि मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर क्यों है। एंड जो आपके पास AlX3 होता है वो डायमेरिक फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, और ये मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर होता है। अब देखो डायमेरिक फॉर्म के अंदर कैसे एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं AlCl3 की, तो वो मैंने आपको बताई हुई है, अगर ध्यान में हो तो आपके, AlCl3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है बहुत अच्छे से माइंड में रखना, AlCl3 दिस वन, ठीक है, ऐसे ही एक और एल्यूमिनियम है और उसके साथ तीन क्लोरीन जुड़ी हुई है, ये क्या करेगा, क्लोरीन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा और ये क्लोरीन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा, तो यानी कि 2AlCl3 जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कंबाइंड होकर डायमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम के पास यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहा है तो 8 हो गए, ठीक है, ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, तो जो एक एल्यूमिनियम होता है वो कितने क्लोरीन से सराउंडेड है, 4 क्लोरीन से सराउंडेड है, ठीक है, और इजीली ये इनको होल्ड कर लेता है क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा लार्ज है, तो इन लार्जेस्ट हेलोजन ग्रुप्स को ये आराम से होल्ड कर लेता है, इसीलिए डायमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट होता है, ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये डायमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, तो इसका क्या रीजन है, देखो बच्चों जो बोरोन है इसका साइज क्या है, स्मॉल साइज है, और जो हेलोजन है इसका साइज क्या है, लार्ज है, राइट, लार्जर साइज है, तो लार्जर साइज जिसका होता है और जिसका स्मॉल साइज है सेंट्रल एटम का, क्या वो एक दूसरे को होल्ड कर सकते हैं, नहीं, तो मैंने यहां पर बोरोन रखा, यहां पर भी बोरोन रखा, तो उसका साइज स्मॉल है, सराउंडेड कितने क्लोरीन है, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 क्लोरीन है, यानी कि वो जो बोरोन है स्मॉल साइज होने की वजह से इन बिगेस्ट हेलोजन ग्रुप्स को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये किस फॉर्म में होता है, मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर, क्लियर। तो ये पॉइंट था आपका इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, वो क्या आता है, मैंने अभी कहा था कि जो हेलोजन ग्रुप है एक्स, वो अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं, ठीक है, और हमें जो मेटल या फिर जो सेंट्रल एटम है वो ग्रुप 13 का कौन सा लेना है, बोरोन लेना है, तो उसमें हमें रिएक्टिविटी देखनी है, जो लुईस एसिड करेक्टर है वो देखना है, इंक्रीज और डिक्रीज का, बोरोन का ही आपके सिलेबस में, इसलिए सिर्फ बोरोन का ही मैं करवा रही हूं, ओके। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर बोरोन के साथ में फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है, बोरोन के साथ में क्लोरीन भी लगा दिया, बोरोन के साथ में ब्रोमीन भी लगा दिया, एंड बोरोन के साथ में आयोडीन भी लगा दिया, और मैं अब पूछूं कि लुईस एसिड करेक्टर किसका ज्यादा होगा, कौन स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है और कौन वीक है, ठीक है, आपके पास अगर बोरोन एल्यूमिनियम और गैलियम इंडियम थैलियम है और उसमें आपके पास कोई हेलोजन सेम दे दिया तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डाउन द ग्रुप क्या होगा, लुईस एसिड कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते हैं, ठीक है,
लेकिन अगर आपके पास जो ये सेंट्रल एटम है वो तो सेम है बट हैलोजन अलग अलग है, तब आप कैसे बताओगे? तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, ये पी पाई बॉन्डिंग का मतलब क्या है? पाई बॉन्ड पता है ना आपको, सिग्मा और पाई बॉन्ड मैंने फोर्थ चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पाई बॉन्ड जो होता है वो किससे बनता है? वो पी ऑर्बिटल के पार्शियली ओवरलैपिंग से बनता है। तो पी ऑर्बिटल्स जो है वो पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसी बॉन्डिंग को आप क्या बोल रहे हो? पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें देखो पी पाई दो बार क्यों लिखा, एक बार ही लिख देते। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो पी पाई बॉन्डिंग है वो कैसी बॉन्डिंग होती है? बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब ये बैक बॉन्डिंग क्या होती है ये भी समझना जरूरी है। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया BF3 का। ठीक है, आपके पास है बोरोन, और बोरोन क्या करता है? हैलोजन्स के साथ में यहाँ पर फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। ये मैंने पहले समझाई हुई है स्ट्रक्चर। ठीक है, इस टाइप से इसने बना लिया बॉन्ड यहाँ पर। अब इसके पास क्या है? वेकेंट पी ऑर्बिटल है ना, और इस फ्लोरीन का एक ही तो पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, बाकी के जो पी ऑर्बिटल है दो, ठीक है, उनमें क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपको फ्लोरीन का पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 या फिर 5 5, राइट? तो 2s2 2p5, पी के अंदर कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो दो पी जो ऑर्बिटल है उसमें क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक क्या है? अनपेयर्ड। तो ये अनपेयर्ड वाला तो बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर सपोज ये फ्लोरीन है, तो इसका क्या है? एक पी ऑर्बिटल ये है और एक पी ऑर्बिटल ये है, दोनों में क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है किसके? फ्लोरीन के, वो कहाँ पर डोनेट कर दिए जाते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द बोरोन एटम, उसी को आप क्या बोलोगे? पी पाई बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है। देखो पहले तो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग कर रहा था, एक बॉन्डिंग हो चुकी थी, बट फ्लोरीन फिर क्या करता है? वापस से बोरोन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है, वो भी कौन सी? पाई बॉन्ड, क्योंकि पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, वीक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ फ्लोरीन एटम या फिर हैलोजन एटम लिख दो, ठीक है, फ्लोरीन एटम ट्रांसफर टू वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। ये सेंट्रल एटम है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख लेना, ये सेंट्रल एटम है जिसके साथ बॉन्डिंग शो होती है, वो सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक सेंट्रल एटम है, ब्रैकेट में ध्यान रखना है, मेंशन भी करना है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ फ्लोरीन एटम ट्रांसफर टू द वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन एटम फॉर्म पाई बॉन्डिंग कॉल्ड पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, अच्छे से मेंशन कर लो पी पाई बैक बॉन्डिंग क्या होती है, मैंने डेफिनेशन लिखवा दी है। ठीक है, तो अब देखो इस बॉन्डिंग में ऐसा क्या है कि हमें लुईस एसिड करेक्टर पता चल जाएगा? तो अब वो मेन पॉइंट है, वो समझो अच्छे से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया सभी ने? अब देखो यहाँ पर अगर मैंने ये कहा कि लुईस एसिड करेक्टर एक्सप्लेन करना है, तो अब एक पॉइंट अच्छे से समझना है, वो क्या? मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रही हूं, आपके पास यहाँ बोरोन था, ठीक है, फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना चुका है, दूसरा फ्लोरीन यहाँ है, तीसरा फ्लोरीन यहाँ है, अच्छे से समझ आ गया? इसके पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 3। इसके पास भी कितने हैं? 3। अब आप ये कहोगे 3 कहां से आए? देखो बच्चों 2 प्लस 2 4 4 प्लस 5, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 9 है, आउटर की बात करें तो कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर 7 ड्रॉ करने, एक इलेक्ट्रॉन ये ड्रॉ कर दिया, बाकी के 6 यहां कर दिए। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कहां से आए, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, आउटर सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन ही ड्रॉ किए मैंने, ज्यादा नहीं किए। आप देखो यहां पर ये समझ नहीं आ रहा होगा कैसे किया, यहां पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां ट्रांसफर हो गया, मतलब इसको
बोरोन को हो गया। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, देखो यहाँ पर बोरोन है और ये फ्लोरीन एज इट इज है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड था लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, तो मतलब कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज, और बोरोन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, लेकिन क्या होगा, कब अट्रैक्शन होगी, जब ये फ्लोरीन एटम क्या करेगा, बोरोन को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो बोरोन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से लिए थे इसको वापस दे देगा। तो मतलब क्या हुआ, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है, मतलब इस फ्लोरीन पर अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड बोरोन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, और यहाँ सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, दिस वन। अगेन क्या होगा कि इसके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएंगे, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हुई चली जाती है। तो इस रेजोनेंस की वजह से होता क्या है, पी पाई बैक बॉन्डिंग, एंड रेजोनेंस की वजह से जो ये बोरोन होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब रिड्यूस हो जाएगी तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर कोई भी डोनर बैठा हो उससे नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लुइस एसिड कैसा रहेगा, ये वीक रहेगा, ठीक है, समझ आया। तो जहां पर रेजोनेंस होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, वहां पर लुइस एसिड कैसा रहेगा, वीक रहेगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि किसमें बैक बॉन्डिंग होगी और किसमें नहीं होगी। तो बच्चों इसका साइज स्मॉल है, इसका भी साइज स्मॉल है, ऑर्बिटल्स का साइज क्या है, स्मॉल, इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग होगी तो रेजोनेंस भी होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में से साइज का ऑर्डर ये होता है, सबसे छोटा साइज इसका होता है, ठीक है, ये ऑर्डर जो है ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, इसका साइज के अकॉर्डिंग, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। तो जिसका साइज जितना छोटा होगा वो बैक बॉन्डिंग शो करेगा। अब इनका साइज बड़ा होता जाता है, इसका मतलब पी ऑर्बिटल्स जो है उनका भी लार्जर साइज होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली ट्रांसफर नहीं होगा, बैक बॉन्डिंग शो नहीं होगी। तो बैक बॉन्डिंग जिसमें नहीं होती है उनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, इसका मतलब बाहर कोई भी डोनर है उससे इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट कर लेगा और स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड की तरह बिहेव करेगा, समझ आया। तो फ्लोरीन की वजह से बैक बॉन्डिंग होती है, तो इसका मतलब ये कैसा एसिड है, वीक लुइस एसिड है, इसका मतलब इससे ज्यादा लुइस एसिड ये रहेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इससे ज्यादा ये, फिर इससे ज्यादा ये, इसका मतलब Bi3 इज द स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और जो Bf3 है वो क्या रहेगा, वीक। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या रीजन दोगे, बहुत ही सिंपल सा, बिकॉज देयर Pi बॉन्डिंग प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ Pi बॉन्डिंग एंड रेजोनेंस, Bf3 इज अ वीक लुइस एसिड, क्लियर है ये पॉइंट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है रिएक्टिविटी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जो बोरोन है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि जो बोरोन है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टी मैंने सारी एक्सप्लेन की हुई है, फिर भी मैं एक बार जल्दी जल्दी बता देती हूँ क्या है, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी बताई हुई है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, तो ये देख लेते हैं एक बार। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन अभी हमें देखना है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताया होता है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक तो क्या होता है, ये हार्ड होता है, सेकेंड इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है। थर्ड वन क्या, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, एंड जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो भी क्या होती है, हाई होती है, राइट। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि जो बोरोन होता है इसके 4 एलोट्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सभी एलोट्रॉप्स जो होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है।
और आइकोसा हेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर जो बोरोन होते हैं वो कितने होते हैं? आइकोसा हेड्रल में बोरोन 12 होते हैं, इसका मतलब इसके अंदर 12 ही क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। तो ये इसी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या था, अगर अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये पॉइंट्स याद रखने, इसीलिए मैं अलग से लिखवा रही हूँ, अदरवाइज ये सारा करवाया हुआ है, वहीं से आप कर भी सकते थे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, रिएक्टिविटी विद एयर, तो ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के साथ रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इसका जो हार्ड नेचर है क्रिस्टलाइन फॉर्म होने की वजह से ये डायरेक्ट ऑक्सीजन या एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। क्लियर, तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ये क्या करता है, रिएक्ट विद एयर फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो एल्यूमिनियम है उसका तो हार्ड नेचर नहीं है, क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है, तो वो फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर, वो हाई टेम्परेचर पर ही रिएक्शन क्यों करता है? तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए क्या, कि जो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने बताया नहीं, बट अभी बता देती हूँ, याद हो जाए। सपोज ये एल्यूमिनियम की सरफेस है और जब ये एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो जो सरफेस वाला एल्यूमिनियम है वो क्या कर लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये ऑक्साइड बन गया, बट ओनली सरफेस पर, ऑन द सरफेस, सरफेस पर ही क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। और ये जो सरफेस पर ऑक्साइड बनता है ये क्या बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और ये प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है वो अंदर के एल्यूमिनियम को एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देती और रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इसको भी टेम्परेचर ज्यादा देना होता है। क्लियर, तो ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, इसके तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होने की वजह से ये रिएक्ट नहीं करता, बट इसमें ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ऑन द सरफेस, इसीलिए रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि जो बोरोन होता है आपके पास केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो बोरोन है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म की होने की वजह से रिएक्ट नहीं करता। सेकंड अगर हम देखें इसका पॉइंट वो क्या है, बहुत इजी था, रिएक्शन किसके साथ हम देख रहे थे, एसिड और बेस के साथ में, तो बेस के साथ तो ये रिएक्ट कर ही रहा था, एसिड के साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट था, सॉरी एसिड था, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड वो कौन होता है, जो ऑक्सीडेशन नहीं करने देता है, नहीं करवाता। ठीक है, तो वो HCl है जनरली, तो HCl के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, डोंट रिएक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है बोरोन, इसकी रिएक्शंस भी लिख के दिखानी है जो मैं पहले लिख के बता चुकी हूँ, मैं जनरली एक बार बता रही हूँ। अगर इसमें आपसे ये पूछते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड है उसके साथ रिएक्शन शो करता है। ठीक है, बट किस कंडीशन में होने चाहिए, ये कंसंट्रेशन की कंडीशन में होनी चाहिए, डाइल्यूटेड नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेटेड होनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, अगर आपके पास ये आ गया कि बोरोन है और आपके पास क्या है, डाइल्यूट ऑक्सीडाइजिंग एसिड, मतलब HNO3 है, H2SO4 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। अगर आपके पास आ गया डाइल्यूट H2SO4 और एक आ गया बोरोन प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4, आपको प्रोडक्ट बनाने, तो क्या करना है, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो प्रोडक्ट, बट यहाँ पर रिएक्शन शो करेगा और रिएक्शन शो होगी तो क्या बनेगा, बोरिक एसिड, और यहाँ पर SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैंने लिखवाई थी, लिख लेना। अगर यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 की जगह क्या हो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, तब भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और अगर आपके पास डाइल्यूट की जगह यहाँ पर क्या हो, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो रिएक्शन होगी। ठीक है, और वो क्या करेगा, सेम बोरिक एसिड बनाएगा, BO3 और प्लस में NO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, गैस रिलीज करता है ये, और रिएक्शन को फिर बैलेंस भी कर लेना। तो ये रिएक्शंस मैंने लिखवाई थी, लिख लेना, ये इसी वजह से मैंने छोड़ी थी कि आगे बोरोन में एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो बोरोन होता है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, सिंपल याद रख लो, ऑक्सीडाइजिंग नॉन ऑक्सीडाइजिंग याद नहीं रहता, तो सिंपल याद रख लो कि एसिड जो है HCl उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है,
चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे कंसेंट्रेटेड हो, लेकिन आपके पास जो HNO3 और जो H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ जो बोरोन है वो रिएक्शन करेगा, लेकिन कब? जब वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होंगे। अगर डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है तो रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? तो आपके पास ये ध्यान रखना है, मैंने कंडीशन यहाँ लिख दी, कंसेंट्रेटेड होना चाहिए ऐसे। ठीक है, थर्ड, अभी अभी हमने हैलोजन की बात करी थी, हैलोजन के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ट्राई हैलाइड्स, और किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो थर्ड आपको याद रखना है, रिएक्ट विद हैलोजन फॉर्म ट्राई हैलाइड विच इज स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड। ठीक है, और रिएक्शन बतानी है आपको, स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड है, और स्ट्रक्चर भी बतानी है, और जो BF3 वाला मैंने पूरा टर्म समझाया वो भी बताना है। तो ये थी प्रॉपर्टी किसकी, बोरोन की। फिजिकल भी बता दी मैंने और केमिकल भी बता दी है। ठीक है, अगर इसका एनालॉमस बिहेवियर पूछा जाता है तो बच्चों जो सेम फर्स्ट हम पढ़ते आ रहे थे वही इसका आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, सभी को याद रखना है, स्मॉल साइज। सेकेंड क्या आता है, बहुत ईजी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। थर्ड क्या आता है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नहीं होते, ये रीजन तो देने ही देने। उसके बाद जो मैंने अभी अभी समझाया फिजिकल प्रॉपर्टी में, ये सबसे ज्यादा हार्ड भी होता है, बाकी अदर नहीं होते, ये सबसे ज्यादा हार्ड और सॉलिड होता है। ठीक है, और इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं, तो वो चीज आप साथ साथ बता सकते हो। थर्ड, और इसके नेक्स्ट क्या बता दोगे कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, और मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, और केमिकल प्रॉपर्टी में ये रिएक्शंस करके बता दो। ठीक है, तो ये था एनालॉमस बिहेवियर ऑफ द बोरोन। क्लियर, तो मेरी तरफ से ग्रुप नंबर 13 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्रुप नंबर 14 डिस्कस करेंगे। टेक केयर।